अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं खाने शाने। तो आज खाने शाने में बन रहा है ज़ाफ़रानी गरम मसाला। तो चलें देख लेते हैं किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है इसके लिए। तो इसके लिए लिया है मैंने जायफल एक टुकड़ा, जावित्री एक टुकड़ा, 7-8 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सब्ज इलायची, 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के और 7 से 8 तेज़पत्ते यानी बे लीफ। इसमें साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया भी जाएगा, वो मैं अभी लेना भूल गई हूँ, बाद में डाल लूँगी। जायफल को हम तोड़ के छोटा कर लेंगे और तेज़पत्ते और दालचीनी इनको छोटा कर लेंगे ताकि रोस्ट करने में आसानी हो। अब इसे मुसलसल चमचा चलाना है हमें 3 से 4 मिनट हल्की आँच के ऊपर, ताकि हर चीज़ रोस्ट हो जाए। और ये हमारा गरम मसाला जो है रोस्ट हो गया है, इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूँगी मैं। ठंडा हो जाए तो फिर इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसे आप किसी भी जो मसाला पीसने की छोटी मशीन होती है उसमें डाल के ग्राइंड कर लीजिए, अच्छा सा बारीक सा ग्राइंड कर लीजिएगा, देखें इस तरह से। और ये हमारा बहुत ही खुशबूदार ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है, और जिस खाने में आप डालेंगे आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा इंशाल्लाह।